दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो, रोज आप ग्राउंड पर आते हो, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दोस्तों बारिश की वजह से कभी कभी दोस्तों बारिश हो जाती है और उसके वजह से दोस्तों आपका वर्कआउट दोस्तों अच्छे से होता नहीं, आपका रेस्ट पड़ जाता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, समझो आप ग्राउंड पर आ गए, आपने प्रैक्टिस किया और दोस्तों नेक्स्ट डे पर आप जब ग्राउंड पर आते हो तो दोस्तों बारिश समझो आ गई, आप दोस्तों घर से भी कभी कभी बाहर नहीं जा सकते। तो दोस्तों हमें घर पर क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपका टाइमिंग भी अच्छा आएगा और जो टाइमिंग है दोस्तों उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं ना दोस्तों आपका आज प्रैक्टिस होता है फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस नहीं होता, उसके वजह से मेरा टाइमिंग कम हो जाएगा। समझो आप 5 मिनट दौड़ते हैं, समझो आप 4:40, 4:50 लगाते हो और उसके वजह से रेस्ट के वजह से आपका टाइमिंग, समझो आपका टाइमिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको घर पर बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो जिसके वजह से दोस्तों आपका परफॉर्मेंस भी आपका जो रनिंग का टाइमिंग है वो दोस्तों वैसा ही वैसा रह जाएगा। किस तरह से करना है आप दोस्तों अच्छे से देखना, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ग्राउंड पर दिखा रहा हूँ, आप घर पर भी दोस्तों अच्छे तरह से कर सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं स्टैंडिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समझो आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करना है, अच्छे से लाइटली स्ट्रेचिंग करेंगे, घर पर हमें लाइटली स्ट्रेचिंग करना है। इस पर यहाँ पर दोस्तों हाथ को ऐसे ऊपर लेना है, इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर सामने, फिर शोल्डर अप, फिर आगे, फिर पीछे। यहाँ पर हम वन हैंड रोटेशन करेंगे और यहाँ पर घर पर हमें इसे इजी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें घर पर भी इसे इजी एक्सरसाइज करना है। फिर पीछे हेड रिवर्स, फिर दूसरा हाथ, फिर हमें बोथ हैंड रोटेशन करना है, उसके बाद रिवर्स रोटेशन करना है, फिर जंपिंग चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर घुटने को यहाँ पर हमें चेस्ट पर उठाना है, इस तरह से होल्ड रखना है थोड़ा, फिर पीछे, फिर दूसरा लेग, फिर आगे ऐसे करना है, यहाँ पर पैर में डिस्टेंस लेंगे, साइड स्विच करेंगे, फिर आगे हाथ लेना है ऐसे, ऐसा सामने पीछे साइड पे अपर जाना है, सामने पीछे, फिर साइड पर ऐसे, ये यहाँ पर ग्रोइंग मसल स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर देखो ऐसे हमें यहाँ पर आपका जो घुटना है उसको बाहर की तरफ हमें इसे प्रेस करना है इस तरह से, फिर दूसरा, फिर उसके बाद लंजेस करें, फिर नेक्स्ट लेग, फिर उसके बाद जिम लगाएंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ऐसे हम वार्म अप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कुछ वर्कआउट करेंगे जिससे आपका जो टाइमिंग है वो दोस्तों वैसा है वैसा रह जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम हाई नहीं करेंगे, हमें हाई नहीं दोस्तों क्या करना है, 20-20 सेकंड तक आपको दोस्तों एक सेट करना है, 20 सेकंड का एक सेट हो गया, फिर उसके बाद 20 सेकंड के 3 सेट करना है। सबसे पहले हाई नहीं कैसे करना है देखो, और स्ट्रेट इस तरह से 90 डिग्री में पैर को लाना है, हमारे घुटनों को हाथ को ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से, ऐसे आपको 20 सेकंड तक कर सकते हैं, 20 से लेकर 25 सेकंड तक कर सकते हो। उसके बाद आपको 30 से लेकर 40 सेकंड तक रेस्ट लेना है, उसके बाद हम दोस्तों हमें दो सेट कर सकते हैं, तो एक सेट भी आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर हम स्टैंडिंग बैक करेंगे, और एक साथ दोस्तों हम स्पीड पर भी कर सकते हैं, अच्छे से स्पीड पर करेंगे, 80% एफर्ट से हमें एक्सरसाइज करना है। इसके भी दोस्तों हम 20 सेकंड तक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद 30 या 40 सेकंड रेस्ट,
इस तरह से 2 या 3 सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर हम माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। ऐसे हमें नीचे जाना है, ऐसे खड़े रहना है, घुटनों को ऊपर उठाना है इस तरह से। इस तरह से आपको इस तरह से 20 सेकंड का, इसका भी 20 सेकंड का एक सेट, ऐसे आपको 3 सेट करना है। 3 एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमें इस तरह से हमें प्लैंक आउट करना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है, आगे देखना है, इस तरह से करना है। इसके आप दोस्तों 2-3 सेट, आपको 2 सेट ज़रूर करना चाहिए। और इस पर इसके दोस्तों आपको 40 सेकंड में 2 सेट करना है। फिर नेक्स्ट, और दोस्तों इस तरह से आपको 40 सेकंड का एक सेट, ऐसे आपको दोस्तों 2 सेट करना है। फिर उसके बाद हमें 30 या 40 नहीं तो 1 मिनट का रेस्ट ले सकती है। उसके बाद हमें साइड प्लैंक करना है। बस इसे देखो इस तरह से, हाथ ऐसे रख सकते हो नहीं तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका आपको 30 सेकंड का एक सेट करना है, 1 साइड 30 सेकंड, उसके बाद दूसरा साइड 30, इस तरह से करना है। फिर साइड चेंज। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। और इस एक्सरसाइज अगर आपको दोस्तों होम पर करना है, घर पर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज से दोस्तों आपका जो टाइमिंग है दोस्तों वैसा वैसा रह जाएगा। और आपको दोस्तों फिर 2 दिन रेस्ट होने के बाद 2 दिन बारिश हो जाती है, और 2 दिन रेस्ट होने के बाद दोस्तों आप ग्राउंड पर जाते हो, तब आप अच्छी तरह से वर्कआउट भी कर सकते हो।